नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रशिया जो कि फॉर्मली यूएसएसआर था और यूएसए के बीच कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास बहुत पुराना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही ये दोनों देश एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते चले आए हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, धीरे धीरे दूसरे डोमेन्स में फैलता चला गया और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर में दिखा। दोनों देशों ने एक दूसरे की मिलिट्री को सुपरसीड करने के लिए कई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स किए, जिससे वॉर के थ्रेट्स कम होने की जगह और बढ़ते चले गए। इनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में ICBMs या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट होना दोनों देशों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। दोस्तों, ICBMs एक ऐसी मिसाइल की कैटेगरी है जिनमें मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर होता है। इसकी वजह से वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक स्ट्राइक कर सकती है। ICBMs अपर एटमोस्फियर में ट्रैवल करते हुए ग्रेविटी की मदद से अपने टारगेट पे स्ट्राइक करती है। इन्हीं कारणों से इनका नाम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखा गया है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर की पहली ICBM मिसाइल 8800 किलोमीटर के रेंज तक स्ट्राइक करने वाली R7 सेमियोर का थी। इसका डेवलपमेंट USSR ने 1957 में किया था और इन्हें 1962 तक फुली डेवलप भी कर लिया था। USA ने इसके ऑपोजिट एटलस प्रोग्राम के तहत ICBM एटलस 1959 में डेवलप किया। इस मिसाइल की रेंज 14,000 किलोमीटर थी। मिसाइल्स का डिजाइन प्राइमरीली न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फार ऑफ डिस्टेंसेस तक प्रिसाइजली डिलीवर करने के लिए किया गया था। यदि करंट सिनेरियो की बात करें तो हाल ही में रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने स्टेटमेंट्स जारी करते हुए कहा है कि रशिया एक न्यू ICBM सरमेट की टेस्ट फ्लाइट इसी साल के अंत तक शुरू करने के प्रयास में है और इन्हें 2022 तक प्रॉपरली इंडेक्स कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मलेशिया के इसी लेटेस्ट ICBM सरमेट के बारे में जानेंगे और साथ ही USA के हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सरमेट मिसाइल एक रशियन अंडर डेवलपमेंट ICBM है। ये उन 6 स्ट्रेटेजिक वेपन्स में से एक है जिन्हें 2018 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिवील किया था। 18,000 किलोमीटर की रेंज के साथ ये मिसाइल इस दुनिया की किसी भी कोने में 10 टन से ज्यादा पेलोड डिलीवर करने में सक्षम है। इस मिसाइल का डेवलपमेंट 2009 से ही शुरू हो गया था। रशिया के ही वोयवोडा मिसाइल को रिप्लेस करते हुए 208.1 टन भारी सरमेट वर्ल्ड की हेवीएस्ट स्ट्रेटेजिक मिसाइल बन जाएगी। सरमेट से रशिया अपने एजिंग SS-18 सेटन मिसाइल को रिप्लेस करने की तैयारी में है। RS-28 सरमेट प्रीवियस ICBMs की कंपैरिजन में ग्रेटर लोड कैपेसिटी, रेंज और स्पीड प्रोवाइड करती है। इसकी लोड कैपेसिटी की बड़ी खासियत यह है कि यह 10 से 15 MIRV कैरी कर सकती है। 200 MIRV एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल होता है जो एक साथ कई वॉरहेड्स कैरी करते हुए एटमॉस्फेयर के बाहर से मल्टीपल टारगेट्स पे इन कर सकता है। इस मिसाइल की मदद से रशिया हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी लॉन्च कर सकेगा जो अपने हाई स्पीड और बेटर कंट्रोल की वजह से कन्वेंशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सरमेट का ग्रेटर रेंज उसे पोल्स के ऊपर फ्लाई करने के लिए इनेबल करता है जिससे उसे ट्रैक करना बहुत कठिन हो जाता है। रशिया का क्लेम है कि इसके पेलोड में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के काउंटर मेजर्स भी इंक्लूड है जो उसे एक अनस्टॉपेबल ऑब्जेक्ट बना देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही पैसिफिक ओशन में USA ने अपने एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन AGM-183A की टेस्टिंग की जो फेल हो गई। मार्च 7 से ज्यादा स्पीड के साथ ये मिसाइल सिस्टम US का पहला हाइपरसोनिक सिस्टम होने वाला था। जुलाई 28 को किए गए इस टेस्ट में रॉकेट इंजन इग्नाइट नहीं हो पाया जिसका कारण US एयरफोर्स अब भी पता लगा रहा है। US का टारगेट इस मिसाइल को 2022 के फिजिकल ईयर के एंड तक प्रोडक्शन में लाना था जो अब कठिन दिख रहा है। अगस्त 2018 में US एयरफोर्स ने एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक वेपन के लिए लॉकेट मार्टिन को $480 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अप्रैल 2021 से USA इन मिसाइल की लगातार टेस्टिंग कर रहा है जिसमें बार बार उसे नाकामी ही हाथ लग रही है। US एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल हैथ कोलिंस इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि लॉकेट मार्टिन द्वारा बनाई गई इन मिसाइल्स में टेस्टिंग के दौरान कई प्रॉब्लम्स दिखे, जहां एक तरफ US एयरफोर्स ने 2022 फाइनेंशियल ईयर में $161 मिलियन की लागत से अपने पहले हाइपरसोनिक वेपन 12 AGM-183A प्रोक्योर करने की प्लानिंग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हाउस एप्रोप्रिएशन कमिटी इस प्रोडक्ट के टेक्निकल इश्यूज को देखते हुए एक्सपेंडिचर से $44 मिलियन कट करने के प्लान में है। यदि बजट में रिडक्शन होता है तो US एयरफोर्स 2022 तक 12 की जगह सिर्फ 8 मिसाइल्स ही एक्वायर कर पाएगी। दोस्तों, यदि ICBMs के डोमेन में इंडिया की बात करें तो
इंडिया आज दुनिया की एक नेशंस में से एक है जो ICBMs प्रोसेस करते हैं। इंडिया की अग्नि मिसाइल सीरीज का अग्नि 5 एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 17 मीटर टॉल, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर की रेंज तक 1.5 टन पेलोड डिलीवर करने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल्स का डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के तहत किया गया है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1983 में मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में सेल्स एफिशिएंसी की इम्पोर्टेंस समझते हुए ये प्रोग्राम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कंसीव किया था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1983 में अप्रूवल दे दी थी। इस प्रोग्राम के अंडर 5 मिसाइल्स को डेवलप किया गया है, जिसे अग्निवेशन फॉर्म में पटना कहा गया है, जिसका मतलब है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अलग अलग कैपेबिलिटीज और फीचर्स वाली इन मिसाइल्स ने इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी को सेल्फ सर्विसिंग बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अग्नि 5 के सक्सेसफुल इंडक्शन के बाद भारत आज MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी डेवलप करने के प्रयास में है, जिसे इंडिया के मिनिमम न्यूक्लियर डेटेंस पॉलिसी का सॉल्यूशन बताया गया है। दोस्तों, चाइना के लॉन्गेस्ट रेंज ICBM मिसाइल डोंगफेंग 5A है, जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक है। फ्रांस का M51 जिसे 2010 में इंडक्ट किया गया था, हाईएस्ट कैपेबिलिटी ICBM है। 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक स्ट्राइक रेंज ऑफर करते हुए ये मिसाइल 6 इंडिपेंडेंट MIRVs भी कैरी कर सकता है। इस मिसाइल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन न्यू न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ 2015 में कमीशन किया गया था। ICBM की लिस्ट में इसराइल का जेरिको 3 भी शामिल है, जिसकी रेंज 4800 टू 6500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को सिंगल 75 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड या 2C3 लो यील्ड MIRV से इक्विप किया जा सकता है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो उसके पास शाहीन 3 नाम की लॉन्ग रेंज मिसाइल है। पाकिस्तान के क्लेम के अनुसार ये मिसाइल 2750 किलोमीटर तक का रेंज ऑफर करती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की ये एक ऐसी रेस है जिसका कोई अंत नहीं है। आज के न्यूक्लियर पावर वर्ल्ड में इन मिसाइल्स की यूज होने की संभावनाएं बहुत कम है। इन मिसाइल्स को डेवलप करने का एक्चुअल पर्पस अटैक नहीं बल्कि डिटरेंस है। दोस्तों, US मिसाइल्स डेवलपमेंट के लिए ये एक टफ फेज है। इस समय जब US के राइवल्स चाइना और रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स के डोमेन में बड़े कदम उठा रहे है, US मिलिट्री अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से जूझती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग रन में US के मिसाइल प्रोग्राम पे इन फेल्योर का क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक सक्सेसफुल टेस्टिंग के साथ रशिया ने इस गेम को अपनी ओर टिल्ट कर लिया है। वर्ल्ड के दूसरे पावर्स भी आज अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करने के प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों, रशिया के ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर आपका क्या ओपिनियन है, और क्या आपको लगता है कि इंडिया को इस पर्टिकुलर फील्ड में और भी ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।